शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए परेश, क्या है? आधा कप चाय के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ बे, तू पत्ती काटने आसाम जाता है या गाय का दूध लेने तबेले में? जल्दी क्या है, शाम तक तुम लोग यही कुर्सी पे पकाने वाले हो। चल कोई लड़की को बाड़ी में भगा लिया जा रहा है। जल्दी चलो, लड़की रो रही थी, हाथ मार रही थी, साले थे। जल्दी आराम करो ना मोटरसाइकिल। मिला के दो महीने का बाकी है, चल भाड़ा निकाल, भाड़ा निकाल। आज की ताजा खबर तो सुन लो, हमारी नौकरी पक्की होने वाली है। और तुम? हम लोग आंटी ने जोक मारा, आंटी ने जोक मारा रे, आंटी ने... आंटी हम लोग की पगार 5 गुना बढ़ने वाली है। झूठ बोलता है, प्रोविडेंट फंड भूल गए? हाँ, अब कड़की खत्म। मैं आपकी 1 साल का किराया पहले ही दे दूंगा, क्योंकि ये घर मेरे लिए बहुत ही लकी है। लेकिन जब से तुम लोगों ने मेरे फाटक में पहला कदम रखा है, मेरा तो 7.5 का फेरा शुरू हो गया। हमारे भी फेरे शुरू होने वाले हैं, इतने सारे लोग जो पीछे पड़े हैं। क्यों, हथकड़ी लगवानी है? नहीं नहीं, वो बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आ रहे हैं। तेरा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पैसे देकर शादी नहीं करूंगा। मुझे तो एक पढ़ी लिखी नेक सफेद कोट वाली लड़की चाहिए, जिसका नाम क से शुरू हो तो बेहतर होगा। एक अधी, तू क्या यार सुन रही है? चल अंदर, चल अंदर, चल। देखो, अब मैं तुम दोनों के बंडल बकवास में आने वाली नहीं हूँ। नौकरी कच्ची या पक्की, अगर हफ्ते में मुझे किराया नहीं मिला तो मैं तुम्हारे कमरे को पक्का ताला लगा दूंगी। और ये क्या हो रहा है मेरे घर में? हाँ, पहले तुम दो बेल थे, उसके बाद और एक सांड आ गया, और अब तो एक लड़की और एक लड़का। अभी के अभी उनको बाहर फेंको, नहीं तो मैं। कौन लड़की कौन लड़का मुझे क्या मालूम, तुम ही देखो। ये मेरा दोस्त है गोपी, प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, और ये उसकी 12 हो ना, मैं बताता हूँ। इस तरफ आना, आना इधर, आना इधर। यार सुन, प्यार का चक्कर है, बेचारे घर छोड़ के आए। गोपी एकदम अपने जैसा है, क्या है, जेब है तो कौड़ी नहीं, बाल है तो कंगी नहीं, और नेहा जो है ना करोड़पति है, लेकिन फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि चोरी छुपे घर छोड़ गया है, और उसका रईस बाप बेचारे गोपी की जान के पीछे पड़ा, और छुपने के लिए कोई जगह नहीं। तो मैंने सोचा दो प्यार करने वालों की तुम जैसे रहमदिल इंसान ही मदद कर सकते, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वो चुड़ैल इनकी हमारी सबकी हड्डियां बाहर फेंकेगी। यार मैं उनको जबान दे चुका हूँ यार, हाथ और पैर तो नहीं दिया ना, जबान वापिस ले चल। और एक मिनट, ये तो अपनी दीदी के पास रहता है ना। हाँ, तो इनको भी अपने साथ वहां पे क्यों नहीं रखता? क्योंकि अब वो मेरा घर रहा नहीं ना यार, वो साले ने मुझे घर के बाहर फेंक दिया। कौन साला? अरे मेरा जीजू साला यार, मैंने अपने रहने का इंतजाम एक दोस्त के यहाँ कर दिया, जो 2 महीने के लिए बाहर गया, एक बार वो वापस आ जाएगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। क्या
अबे तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? एक तो देख देख इस गधे को देख कैसे फैला पड़ा है, जैसे ये पूल टेबल इसके बाप ने दिया हो। साला पूरे घर को धर्मशाला बना के रखा है। सुन 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 सुन, तू उनको खुद बोलेगा कि मैं बताऊं? देख मेरी, खुद बोलेगा मेरी बात, तू खुद बोलेगा, तू मेरे एक बार दोस्त, पकिया ने हमें सब कुछ बताया लेकिन मुश्किल है। सिर्फ दो दिन, कोर्ट में शादी होने के बाद किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शादी के बाद अब रहोगे कहाँ, गुजारा कैसे करोगे? मैं फुटपाथ पे रह लूंगी, लेकिन गोपी के साथ। जब मुझे प्यार हुआ तब मुझे पता नहीं था कि गोपी इतना गरीब है, और अब क्या फर्क पड़ता है। लड़कियों के लिए सबसे जरूरी होता है प्यार, और एक बार प्यार हो गया फिर लड़का गरीब अमीर चोर उचक्का कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। बस सच्चा प्यार करने वाला चाहिए। कसम से मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा मुझसे इतना प्यार करने लगेगी, लेकिन सपनों को सच होना होता है तो वो हो जाते हैं। खैर हम आपको इतनी तकलीफ नहीं देना चाहते, कोई और दरवाजा खटखटाएंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। चलें। थैंक्स मैन। सॉरी। थैंक्स। एक तो जंगल में आग, ऊपर से चड्डी में नाग। ए मामा का घर है, मामा की नौकरी है, फिर भी दिन भर यहीं पड़ा रहता है साला। उठ चल चाय बना। अबे घर के असली मालिकों की कभी तो इज्जत कर फुकटिया। चल खाता निकाल, हिसाब किताब कर ले। हाँ बोल, कहाँ से कितना? ये सब्जी वाले पांडे का 1,000, ऊपर से 1,500 ब्याज, इसको खत्म कर दे। क्या? अरे इसका खाता खत्म कर दे। और ये दया कसाई का 3,084.50। और हाँ हाँ देख, ये चपरासी सतीश के 8,000 हैं, लेकिन इसको लेन देन की बही में नहीं, इसको रिश्वत की बही में डाल, इसे मैनेजर की तरक्की चाहिए। अरे इसमें 102 रुपया कम है। अच्छा तो मुझे क्यों दम देता है? ये पैसा इस चांडाल का है, तेरा थोड़ी है। तू तू कागज चल उंगली चला, मेरे मामले में उंगली मत कर। एक तो साला पुलिस की पगार लेता है, ऊपर से रिश्वत खाता है, और उतार जैसे चढ़े ब्याज उसको चलाता है। मतलब बकरा बकरा हजम और बकरी पे दम, ये नरक तो जाएगा ही, और साथ में गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसा ये? कौन ले जाएगा मेरा पैसा? अरे साहब मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपये कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? वसूली करने गया था तो 60 रुपया ऑटो का आने जाने का। ऑटो जान से मार डालूंगा। पैसे दिए ठीक है, हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। मेरी बहन ने हाथी जैसे पैर दिए हैं मुफ्त में, तो वो गले में टांग कर सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं। बाकी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए बाकी के? धमकाने में जरा जोर आया, उसके लिए नाश्ता कर लिया। नाश्ता? 1 केले का 2 रुपया, कटिंग चाय का 2 रुपया, होते हैं 4, बाकी के पैसों से दिवाली मना रहा था तू? ऐ सुन चौधरी, 1 हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बंद। मर जाऊंगा मामा। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी, नौटंकी कहीं का। चल पान के गले पे बैठ। पान? और सुन, गिन के रखे हैं पान, एक भी पान चबाएगा तो मैं तुझे चबा जाऊंगा। और सुन, कल से वसूली पे तू जाएगा। अरे सुन, एक कॉफी लाना यार। वो अपना परेश है ना, यहाँ का वेटर था ना साला। हाँ बोलूंगा। बाइक शर्ट टाई यार, इतनी चमक दमक आई कहाँ से? ए परेश इधर आ, 1 कोल्ड कॉफी। ये नया अवतार क्या बे? लोगों के झूठे बर्तन उठा उठा के मेरा क्या भला होने वाला था, इसलिए मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। वाओ क्या बिजनेस है? हार्डवेयर की दुकान खोली है। पैसा कहाँ से लाया बे? डाका डाला? बैंक ने दिया। बैंक में जाओ, लोन की अर्जी भरो, पैसा तुम्हारे हाथ में। मतलब कोई भी मुंह उठा के बैंक से पैसा मांगता है और वो मिल जाता है? बैंक है कि शिरडी के साईं बाबा। सिर्फ तुम्हारे पास एक दुकान होनी चाहिए। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दुकान चाहिए अच्छे इलाके में। बैंक तुमको लोन देगी 4 लाख, उसमें से 2 लाख कंपनी को दे दो डिपॉजिट के तौर पर, फिर किसी भी कंपनी में जाओ, साबुन किराना स्टेशनरी किसी भी कंपनी में। ओके कंपनी तुमको माल देगी 5 लाख का। आजकल लोग किसी भी चीज़ को इतनी तेजी से खाते हैं जैसे भूख की दीमक लकड़ी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा माल बेचने में। मुनाफा है 20%, तो महीने की आमदनी कितनी हुई? 1 लाख। बैंक लोन कितना है? 4 लाख।
हाँ तो चार महीने में लोन चारों खाने चित, पांचवे महीने में दुकान तुम्हारे पास, छठे महीने में 1 लाख तुम्हारे पास होगा और सातवें महीने बस, में बस बस भाई बस। जरा फिर से बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। लोन के फॉर्म भरो, साइन करो, फिर दुकान के कागजात, जेरोक्स, राशन कार्ड, पासपोर्ट के 10-12 जेरोक्स बना के एक मस्त फाइल बनाओ और बैंक को अपने नेक इरादे बताओ। जी हाँ मिल जाएगा, आप इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दो, दुकान के कागजात ले आओ और पैसा ले जाओ। लेकिन ये दुकान कागजात किस दुकान से मिलेंगे? बेअकली के। अच्छा अबे नाम 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 क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक। उतर आया ना औकात पे, अपनी पान की दुकान का नाम रखना थूक। पैसा 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 कहाँ से आएगा? मामा मामा एक झेला नहीं देगा, तुम्हें पैसा चाहिए तो मुझे बेच खाओ, मुझे गिरवी रखो लेकिन मामा का नाम मत लो। अरे मुर्दे के मुंह से दांत निकालने वाला चांडाल है वो तुम्हें पैसा देगा? ऐसा सपना देख रहे हो? तो तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक मारता हूँ मैं। अरे सुन तो, मैंने पहले ही बोला था ये साला मानेगा ही नहीं। अरे कब तक मामा का थप्पड़ तू खाता रहेगा? और वो हरामी घर की चिपकली को तुझसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं। तू मरेगा भी ना उसके लिए तो वो तुझे जलाएगा नहीं, जंगल छोड़ाएगा क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। हाँ और ये सब क्यों? क्योंकि तू उसका गुलाम है, तू हमारा पार्टनर बन जा। महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत, बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। सोच ले पैसे की चमक से चमचमाता हुआ तू सीना फाड़ के जब वो फटीचर मामा के सामने खड़ा होगा तो कैसा लगेगा, सोच सोच। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गिरवी रखेगा क्या? चार जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? है। क्या? मेरे पास एक प्लान है। क्या नाम बताया? सुनील नहाटा। क्या लगता है वो तेरे दोस्त का? जीजा। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा आदमी मामू, लेकिन मैंने साफ बोला कि धंधे यारी में कोई दोस्ती नहीं, इस हाथ दे इस हाथ ले। क्या ताली? नहीं मामू, गहने, सोने हीरे के गहने, गहने अपने पास और पैसे उनके पास, पैसे नहीं लौटा पाए तो तेरे बड़े दोस्त की बड़ी कब्र बना दूंगा, याद रखना समझे। रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता, ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे। मामू कुछ गड़बड़ हुई तो गहने बेच के पैसे वसूल, बोलो कबूल। पहले घर देखूंगा फिर तय करूंगा, अगर कुछ झोल निकला तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे रुदाली की डिंपल बनके क्यों आया? किसने मारा? या मारा। पता नहीं क्या पता मेरे को। अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा साले की खाल उधेड़ देंगे, बोल। अबे नाम तो बता। मामा। मामा ने मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है, जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या? अबे जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबा रहे, बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत, मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना, तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ, बोलो तो बोल दिया, और भी कुछ बोलूं? अबे देख 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 कौन है? मामा कौन है? हीरो आया? ए शूटिंग है क्या? ए बोल ना। ये तेरा मजनू दोस्त है ना? हाँ। घर आया था अपनी लैला के साथ। अरे गोपी, ए हाय हाय। अरे तू यहाँ? मेरा ऑफिस ऊपर ही है यार। ओ यहाँ पे
बाय द वे हमारी शादी हो गई है। अरे अरे ये गाड़ी भी तेरी है यार, तेरे को ये खजाना मिला कहाँ से यार? ससुर से। अरे वो तो तुम्हारी जान के पीछे था। हाँ। शादी के बाद बदल गए, अब उनका कारोबार भी मैं ही देखता हूँ। कमाल है यार, तेरा ससुर आदमी है कि सिक्का, इतनी जल्दी पलट गया। एक बार शादी हो गई फिर किसी भी माँ बाप के पास क्या चारा रहता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। वेल, कभी तुरंत तो कभी नाना नानी बनने के बाद, लेकिन वो पिघलते जरूर हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट पक्या, चल मिलते हैं। ओके बाय गाइस। बाय बाय। इसे कहते हैं कुंडली के सारे घर सर पे सवार होना। अबे ये कुंडली उंडली सब बंडल है यार, हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा। हाँ वही बंदा। और वैसे भी इस थकेले गोपी ने कौन सी हिम्मत कर ली? अबे अमीर लड़की को पटाने की, भगवान ने उसका साथ दिया ना, देख उसकी लाइफ 7 स्टार हो गई। मतलब हमें भी एक चलना आधी अधूरी अमीर लड़की मिलेगी तो हमारी भी निकल पड़ेगी। हाँ लेकिन लड़की टपकेगी कहाँ से, आसमान से? अबे खटमल खटिए पर बैठे बैठे ठेंगा कुछ होने वाला है, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी फिर देख। वो जरूर एक सही लड़की टपकाएगा आसमान से। प्रभु सामान अंदर ले आना जी। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे हमारे पड़ोस में आग लग गई। नहीं आग नहीं लगी, एक ढिंचक पटाखा आया है। क्या? सच? कौन? एक दादी और एक दादा भी है। तो दादा फटाका है? नहीं नहीं मुंह फोड़ डालूंगा साले। अबे पोती भी है, सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम चबा आंख, हीरे की आंख में जैसे मैंने देखा तो भागते 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 सांस भूल गई लेकिन तुम लोगों के पास आ गया। क्या बात है, मतलब जिसे ढूंढा गलियों में पकिया में वो मिली घर की खटिया में। क्या बात है मारू, जैसे मैंने देखा तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। भाई मेरे दरवाजे पे तो धनलक्ष्मी सीटी मार रही, तुम लोग अपना अपना देख लो। लड़की की तलाश में साथ थे, अब पटाने में भी साथ रहेंगे। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार। अबे तो क्या हुआ, बचपन में एक ही पतंग के पीछे हम लोग भागते नहीं थे टैनी लेकर? बस वैसे ही मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ। बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार के। बोलो मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। चलो हाथ मिलाओ। कहाँ है? आजा। आई आई आई। अबे तुम लोग झगड़ते रहो, मेरे को दिखने दो। दिख रहा है क्या चेहरा? दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है, बाकी मस्त है। ये बायनोक्युलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे अरे यार इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार। हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है? नहीं नहीं अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। मां कसम वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है, बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते हैं। नहीं ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी, बार 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 निकलो, बारो। चौथा कहाँ है? आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है, आज पैसे देंगे कल अमीर हो जाएंगे है? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, अभी मेरे चार आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो या तो फिर बीच सड़क पे, तुम जाने और तुम्हारे कूड़े लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। ये क्या, इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है ठीक है। सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ। वो देख भी गोटी तो तेरा नाम है। नाम क्या तेले ने, उधर देख। दिखा चढ़ दे मेरे को, मुझे भी तो चढ़ना है। उतर, क्यों बोला ना उतर, बिजनेस की इज्जत करना सीखो।
पहले हम देखेंगे बाद में तुम। चाय क्या? झाड़ के ऊपर फूल बन के मत बैठे रहना, कोई दिखे तो सीटी मार देना, ठीक है? हे मारू, तेरे को कसम है उसका नाना एग्जैक्टली हाफ हो जाए ना तो वापिस आ जाना। हाँ, माँ की आंख आधा हम देखेंगे। हाँ, तब तक वहीं रहो, वहीं रहो। अरे छोड़ना। अरे इतनी देर, साले अब तक आए क्यों नहीं हरामी? अबे लड़की को नहाते तो छोड़, पानी की एक बूंद देखने को भी नहीं मिलेगी, खुजली हो रही है यहाँ पे। कब्रिस्तान में ही इलाज। बैठ गया। जिसके चार हाथ है लड़की की तरफ बढ़ते क्या हुआ? अबे मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं, कुछ तो हुआ है, साले चिल्ला क्यों रहे? अरे जो भी हुआ होगा उनको, चल हम लोग कल्टी मारते हैं यहाँ से। चल भाग 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 भाग।